ट्रायंगल थ्योरी ऑफ असेसमेंट इवैल्यूएशन एंड जजमेंट। जी हाँ दोस्तों, एक एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। कई बार हम असेसमेंट, इवैल्यूएशन और जजमेंट ये तीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके मतलब क्या होते हैं ये आज मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ मेरे इस ट्रायंगल थ्योरी ऑफ असेसमेंट इवैल्यूएशन एंड जजमेंट के तहत। आइए समझते हैं कि असेसमेंट, नॉर्मली हम ये वर्ड यूज़ करते हैं तो ये CBSE पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो असेसमेंट का यूज़ फॉर्मेटिव के लिए होता है। अब फॉर्मेटिव का मतलब क्या है? मतलब मान लीजिए आपने एक प्रोसेस के तहत काम की है ना, आप मैथ्स होता है, मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया। साइंस हो गया, साइंस में अगर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है तो हम जहाँ से शुरू करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, लेकिन जिस प्रोसेस के तहत आता है हम उसको फॉर्मेटिव कहते हैं। हम फॉर्मेटिव उन तमाम चीज़ों को बोलते हैं जो प्रोसेस में आती है। तो फॉर्मेटिव या असेसमेंट ये शब्द तब आता है जब हम प्रोसेस को देख रहे होते हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा कॉन्सेंट्रेशन पूरा का पूरा ये होता है प्रोसेस के लिए। तो जो प्रोसेस के लिए होता है उसे हम असेसमेंट कहते हैं। तो फिर इवैल्यूएशन क्या है साहब? इवैल्यूएशन अगेन CBSE के पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो वो समेटिव कहलाता है। समेटिव यानी जैसे नेम सजेस्टिव है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। समेटिव जैसे असेसमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वो फॉर्मेटिव है, यानी फॉर्मेशन में जो काम आ रहा है उसे हम असेसमेंट कहते हैं, जो फॉर्म होगा यानी प्रोसेस के तहत फॉर्म होगा, रिजल्ट नहीं। और रिजल्ट के को अगर हम ध्यान देते हैं तो वो समेटिव कहलाता है, जिसे हम इवैल्यूएशन कहते हैं। तो मेरी ट्रायंगल थ्योरी ऑफ असेसमेंट प्रोसेस पे ध्यान देती है, इवैल्यूएशन जो है वो रिजल्ट पे ध्यान देती है। और देखिए कितनी सच्चाई है, अगर आपका प्रोसेस ही सही नहीं रहेगा तो कैसे आपका रिजल्ट आएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं ना कि आप प्रोसेस फोकस हो क्या? तो प्रोसेस फोकस CBSE या NCERT, AICTE, ये सब जितने भी हमारे एजुकेशनल बोर्ड्स हैं ये सब एक ही तरफ ध्यान दिलाते हैं कि प्रोसेस फोकस रहना है तभी तो रिजल्ट फोकस आएगा। तो इसीलिए फॉर्मेटिव आ गया और इसलिए समेटिव आ गया, इसीलिए असेसमेंट आ गया, इसलिए इवैल्यूएशन आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि असेसमेंट का यूज़ हमेशा प्रोसेस के लिए होता है, फॉर्मेशन के लिए होता है, और इवैल्यूएशन का यूज़ रिजल्ट के लिए होता है। लेकिन एक वर्ड है जज या जजमेंट। तो जैसे जजमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन जाता है, मैंने खुद ही कहा है कि जजमेंट जज से आता है। और जज क्या होता है? नथिंग। बट जब भी हम कंपेयर करते हैं, हमने हमेशा देखा है कि बहुत सारे जजेस आते हैं और कंपटीशन से जजेस आते हैं, कंपटीशन में जजेस होते हैं, तो जजमेंट वहीं से आया है। कंपेयर करें तो कई बार जजेस होते हैं जो सिंगिंग, डांसिंग और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में नज़र आते हैं। तो कंपटीशन इज़ ऑल अबाउट हैविंग लॉट ऑफ कंपटीटर्स। बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं लेकिन वो 19-20 होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं उनकी। जैसे किसी का सुर अच्छा हो गया गायकी में तो किसी का ताल नहीं होता है, तो किसी की अदाकारी अच्छी होती है, तो किसी का कलाकारी अच्छी होती है, हरकतें अच्छी होती है। तो एक कलाकार दूसरे कलाकार से अलग 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 तरीक़ों से हो सकता है। वैसे ही डांस में सबके अपने नेचुरल एबिलिटी रहते हैं, उस हिसाब से डांस करते हैं। तो जो जज करते हैं वो इस इंतहा तक जाते हैं कि वो कहते हैं कि आप एकदम हूबहू आप किशोर कुमार जी गा रहे हैं, आप हूबहू रफ़ी साहब गा रहे हैं। आज के दौर में अरिजीत सिंह कंपटीशन में गुरुकुल, जिस कंपटीशन में अरिजीत सिंह आए थे उस कंपटीशन में उनका नंबर 5वां आया था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि अरिजीत सिंह जी कहाँ हैं। तो कंपेयर करना ये जजेस का काम होता है। तो वो किसी एक बेंचमार्क ले लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उनसे वो कंपेयर करते हैं उस समय के लिए। तो जजिंग जो होती है वो कंपैरेटिव होती है और उस समय के लिए होती है। तो दोस्तों जजमेंट वहाँ होता है और वो क्षणिक होता है और उस समय के लिए होता है, वो कंपैरेटिव होता है, इसलिए जजमेंट आता है वो वर्ड। उम्मीद करता हूँ कि मेरे आज के ट्रायंगल थ्योरी ऑफ असेसमेंट इवैल्यूएशन और जजमेंट में आपको थोड़ी बहुत समझ, क्लैरिटी ऑफ थॉट आया होगा, क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग आया होगा। और यदि क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग आया होगा तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा तो मकसद ये था कि जो बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है असेसमेंट इवैल्यूएशन एंड जजमेंट, इसके ऑब्जर्वेशन के तहत इस पर क्लैरिटी लाए और आप तक ये वीडियो के जरिए आपकी समझ और बढ़ाए। उम्मीद करता हूँ यदि ये ट्रायंगल थ्योरी ऑफ असेसमेंट इवैल्यूएशन एंड जजमेंट आपको पसंद आई होगी तो उन तमाम लोगों को ज़रूर शेयर करें जहाँ ये उनकी मदद करेगा और समझ बढ़ाने में। धन्यवाद।